हेलो एवरीवन, मैं हूं मुनमुन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि हमारा आज का प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है बाय एल्डिको, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज एकोलेड, तो जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करें। इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलती है तो अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अच्छी इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करना चाहिए, अपने तक ही नहीं रखना चाहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को जाके जल्दी से प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस, ये है हमारा प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है सोना रोड सेक्टर 2 गुड़गांव, और ये प्रोजेक्ट का लैंड है 13.5 एकड़, जिसमें आपको मिलता है 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK एंड 3.5 BHK। बात करें लोकेशन एडवांटेजेस की तो ये कनेक्टेड है, तो हमारे प्रोजेक्ट के जो यानी कि हमारे प्रोजेक्ट के सामने एल्डिको एकोलेड के सामने ही जो स्ट्रेट रोड आपको मिलती है वहां से 20 से 22 मिनट के डिस्टेंस में मिलता है आपको NH-8। NDMIC भी बहुत ही रीचेबल है यहाँ से, यहाँ तक कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वेल नोन हॉस्पिटल्स बहुत ही ज्यादा रीचेबल है, यानी कि 15 मिनट्स की दूरी पर ही ये सारी एबिलिटीज आपको मिलती है। और हॉस्पिटल जैसे कि वेदांता और भी कई सारी है जो कि 15 मिनट की दूरी पर आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो भी गुड़गांव के अंदर आते हैं और ग्रोसरी स्टोर, सब कुछ यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ पे सब कुछ आपके विद इन रीच है, आप रेगुलर ट्रैफिक से दूर है फिर भी सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज आपको काफी रीच है। और यहाँ पर जो शांति और ग्रीनरी है ना, वो तो एक अलग ही सुख देता है आपको। एंड एक बात बोलूं, आपको यहाँ पे अमेजिंग लैंडस्केप भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही आराम से आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड भी है, साथ ही गेस्ट पार्किंग के लिए भी आपको बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जो भी फैसिलिटीज एक अच्छे और वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल। तो चलिए अब अपार्टमेंट्स देख लेते हैं। ये है हमारा अपार्टमेंट्स। एंटर करते ही सबसे पहले लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आता है जहां पर काफी प्यारा फॉयज है और साथ ही ओपन बैल्कनी मिल जाती है जिसमें UPVC ग्लासेस लगे हुए हैं और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है क्वालिटी में। तो यहाँ आपको वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट की बिल्कुल कमी नहीं होगी एंड बालकनी में भी काफी बड़ी स्पेस मिल जाती है गाइस। यहाँ चाहे तो आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं, चाहे तो सिटिंग अरेंजमेंट्स भी कर सकते हैं, यू कैन जस्ट इंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर। और यहाँ आपको मिलता है एक ओपन किचन एक यूटिलिटी बालकनी के साथ जो कि काफी अच्छी स्पेस के साथ है। एक आपको स्टडी रूम मिलता है, चाहे आप उसको सर्वेंट रूम भी बना सकते हैं, साथ में अटैच्ड वॉशरूम है। वैसे एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा है मुझे, इस ये जो अपार्टमेंट्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक साइड आपको पूरे आपके बेडरूम्स मिलते हैं एंड दूसरी साइड पे लिविंग डाइनिंग किचन एंड सर्वेंट रूम। तो बेडरूम भी काफी स्पेशियस है, एक किंग साइज बेड आराम से आ सकता है, साथ ही रनिंग बैल्कनी है एंड दिस इज इवन बिगर दैन अदर बैल्कनी। यहाँ पर चेयर्स लगाकर यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स और इंजॉय द व्यू। वन गुड थिंग अबाउट शोइंग द सैम्पल अपार्टमेंट्स टू द ऑडियंस, आप आराम से देखकर पता कर सकते हैं कि आपको किस तरह से अरेंजमेंट्स करनी होगी, आपके अपार्टमेंट्स के इनफ स्पेस है या फिर नहीं, बाथरूम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट कि आपको अपने फ्लैट को कैसे मेंटेन करना है ये आपको समझ में आसानी से आ जाती है। अपार्टमेंट्स का मास्टर बेडरूम भी इज लाइक बहुत ही अच्छी खासी स्पेस के साथ मिलता है आपको विद द लॉट ऑफ वॉकिंग स्पेस एंड किंग साइज बेड के बाद भी। साथ ही सेपरेट बालकनी है, एक बालकनी है जो
जो है दो बेडरूम्स के साथ अटैच्ड है और मास्टर बेडरूम का जो बैल्कनी है वो आपको सेपरेट मिलता है। सभी रूम्स में अटैच्ड वॉशरूम है, स्पेशियस साइज के साथ एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। वेल, दिस वॉज द कम्प्लीट रिव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा हो जितना इन्होंने एक माइंडफुल इस प्रोजेक्ट को बनाया है। फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो, अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें। और अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग एंड अफोर्डेबल प्रोजेक्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।